हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और मेरे साथ है अंकित मलिक सर। तो हम लेकर आए हैं आपके सामने गुरुनीति का 32वां पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। इसमें हम डील करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन के रिलेटेड। यहाँ पर हम नॉलेज की बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जेई मेंस के हिसाब से देखें तो ये काफी वेटेज रखते हैं हमारे जेई मेंस के पार्ट में, और ऑलमोस्ट एक से दो क्वेश्चन इनके बनते ही बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है, एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ सम एटम सुपरइम्पोज्ड ऑन कंटीन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम हम पता है कि उसमें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम पार्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट होता है। अब इसमें आपको देखो, ये जो लैम्डा पी यहाँ गिवन है और जो लैम्डा क्यू गिवन है, तो हमें पता है कि पी की वेवलेंथ इस ग्राफ से हम देख के बोल सकते हैं कि लैम्डा पी जो है बेटा वो लैम्डा क्यू से कम है, कम है। अब इस केस में जब लैम्डा पी कम है, इसका मतलब जो पी का फोटोन रहा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। लैम्डा कम होना मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा होना, तो ई जो पी की है वो ज्यादा है किससे, ई क्यू से। अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है इनर शेल में, तो उसका मतलब उसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ तो तभी आती है सर। तो बिल्कुल सर। तो अब इस केस में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन्होंने हमें ऑप्शन में दिया हुआ है के अल्फा और के बीटा। के का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, और बीटा अल्फा का मतलब होता है सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा। तो ये के अल्फा, ये तो हो जाएगा अपने पास के अल्फा वेवलेंथ, जिसमें ट्रांजिशन क्या होता है 2 से 1। और के बीटा ट्रांजिशन कहाँ होगा मेरा, के बीटा ट्रांजिशन होगा वो होगा 3 से 1। तो ऑब्वियसली बात है, जहां एनर्जी गैप ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, तो फोटोन के बीटा वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है के बीटा को। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पी, और के अल्फा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू। तो इससे मेरा ऑप्शन हो जाएगा क्यू रिप्रेजेंट के अल्फा, बिल्कुल ठीक बात है, एंड पी रिप्रेजेंट के बीटा। तो इससे मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। ओके बच्चों, तो सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर ड्यूट्रॉन, एक ड्यूट्रॉन के लिए आपको, और ही एंड हीलियम, एक हीलियम के लिए आपको क्या दे रखी है, आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दोनों के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, द एनर्जी रिलीज व्हेन द टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फ्रॉम अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक हीलियम न्यूक्लियर बनाना है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो मान लीजिए कितने कितने बोला इसने, अपने को लेने हैं 2 न्यूट्रॉन्स। तो 2 न्यूट्रॉन्स अगर ले तो 1, अगर हम ले 1s2 प्लस 1s2, अगर 2 न्यूट्रॉन ले तो उससे अपने को क्या बनाना चाहिए, अपने को बनाना चाहिए 2 हीलियम्स बनेगा एक। ठीक है, प्लस इसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी होगा। इस एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन्स के लिए देखें तो इसके लिए आपको आपको बाइंडिंग एनर्जी दे रखी कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसमें कितने न्यूक्लियस, 2, तो ये कितना हो जाएगा 1.1, प्लस इसके लिए देखें तो इसमें भी कितने हैं, 2, 1.1। ठीक है, तो ये कितनी बननी चाहिए, 2, इसमें एक हीलियम बन रहा है, तो हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें कितने न्यूक्लियस, 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो अगर आप यहां निकालें कैलकुलेट, तो 7 × 4 28 हो गया। इस 28 में से ये डिवाइड माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा आपका 2.2 प्लस 2.2 यानी कि 4.4। ये 4.4 माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 4.4 जाएगा, तो कितना बढ़ेगा बेटा, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें अपनी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 23.6। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा, सेकंड। ठीक है, ओके सर। इसमें एक पॉइंट और ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नेगेटिव को शो करता है, तो कई बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है डाउट आता है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक माइनस साइन होता है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे शुरुआत में एनर्जी -4.4 है, उसके बाद वो और रिलीज करा सिस्टम ने, देखो -4.4 को रिलीज किया तो उसमें से उसने कुछ और रिलीज किया होगा, तब जाके -28 हुआ होगा। तो -4.4 ज्यादा है और ये 28 कम है ना माइनस में, इसलिए तो इसका कुछ और अमाउंट रिलीज हुआ है, वो रिलीज एनर्जी इतना है ना। तो ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड में हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए इज 2 times द हाफ लाइफ ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बी। ओके, तो ए की हाफ लाइफ जो है वो बी से इन्होंने कितनी दी बेटा, 2 times दी गई है। तो ए की हाफ लाइफ जो है वो बी की हाफ लाइफ से कितना दिया इन्होंने, 2 times। ठीक है, अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln 2 / लैम्डा।
तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ln 2 by lambda a is twice of ln 2 by lambda b. इससे मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, lambda b is twice of lambda a. ये अपना एक पहला रिलेशन आ गया. फिर इन्होंने बोला है इनिशियली द नंबर ऑफ न्यूक्लिए ऑफ a एंड b आर na एंड nb. After 3 half-life of A, number of nuclei both are equal. अभी ना बोला कि 3 half-life जब A की complete होगी, है ना, तो अपना time कितना हो जाएगा? Time जो यहाँ लेना है मुझे, वो लेना है 3 times of half-life of A. इतना time लेना है. इतने time के बाद इन्होंने बोला है कि A का number of nucleus और B का number of nucleus जो बचा हुआ है, वो same है. चलो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा N A e to the power minus lambda A time. और इधर हो जाएगा टाइम और ये हो जाएगा मेरे पास एन बी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा बी टी. हमसे क्या पूछा बेटा इन्होंने, देन द रेशियो ऑफ एन ए बाई एन बी. तो सिंपल यहां से अपन एन ए और एन बी इसको कर देते हैं. ये हो जाएगा मेरे पास ई टू दी पावर माइनस ऑफ लैम्डा बी टी ई टू दी पावर माइनस ऑफ लैम्डा ए टी. अब यहाँ पे लैम्डा बी जो है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए है. तो चलो इसको यहाँ लिख देते हैं ई टू दी पावर माइनस ऑफ लैम्डा बी टी और लैम्डा बी को मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए और ये हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा ए टी. चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा ए, ये कैंसिल होगी, लैम्डा ए बचेगा और टी. अब टी कितना दिया है, थ्री टाइम्स ऑफ टी. तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं वापस, तो लैम्डा ए टी की जगह मैं क्या लिखता हूँ एल एन टू बाई लैम्डा ए और उसका थ्री टाइम्स, ये हाफ लाइफ होगी ना एक ही. तो इससे देखो, अब देखो ये लैम्डा ए से लैम्डा ए कट गया मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा मैं और सोल्व करता हूँ, तो ई टू द पावर माइनस एल एन टू की पावर थ्री कितना हो गया बेटा, एट हो गया. तो ये हो जाएगा मेरे पास ई टू द पावर एल एन वन बाई एट, क्योंकि माइनस थ्री है ना, वो माइनस भी तो पावर में जाके वन बाई बन जाएगा. ई और एल एन आपस में कैंसिल होके क्या बचेगा फाइनल मेरे पास, वन बाई एट. तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, वन बाई एट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन. तो यहाँ पे इजिली आपका हाफ लाइफ का कंसेप्ट आपने काम में लिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस को इक्वल किया और उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे एड करनी है साथ में. ओके सर, बिल्कुल सर. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है, कंसीडर एक स्फीयर, एक स्फीयर दिया है आपको जिसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी है, r दे रखी है, ठीक है. और बोल रहा है टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी i एज शोन इन फिगर इन सरफेस ऑफ द स्फीयर इज पार्शियली रिफ्लेक्शन. देखो रिफ्लेक्शन कैसा बेटा, पार्शियली है एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है 0.3 है. द रेडिएशन फॉर द एक्सपीरियंस इज, ठीक है. अगर इस पे बात करें तो इसमें जो आपको दे रखा है स्फीयर के बारे में वो बोल रखा है कि पार्शियली रिफ्लेक्शन. हालांकि स्फीयर की कंडीशन की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ पर अगर पार्शियली हो या फुली हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना. अगर ये स्फीयर के अलावा कोई और कंडीशन दी जाती, जैसे कि अगर मान लीजिए स्फीयर की जगह सिलेंडर दिया जाता, तो इसके लिए हमारे लिए कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन का इसका आपका फर्क पड़ता कोफिशिएंट का, ठीक है. बट लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपका प्रेशर होगा वो कितना होता है बेटा, आई अपॉन सी, ठीक है. और प्रेशर हमें यह भी पता है कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया भी होता है बेटा, ठीक है. और पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, ठीक है. तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बाय सी इनटू ए. अब ए क्या है, आपका इफेक्टिव एरिया. आपको स्फीयर है और वहां से अगर लाइट इंटेंसिटी जाएगी, अगर कोई आप मान लीजिए कोई लाइट जा रही है, तो एक क्या बनेगा आपको, एक डिस्क बनेगा, यानी कि एक जो एरिया अगर कवर करेगा वो एरिया कौन सा होगा, वो इसका एरिया होगा. अगर एरिया देखें तो रेडियस आपको आर रखा है, तो इसका ये क्या बनी एक आपके सर्कल बन गया. तो सर्कल का एरिया अगर अपन निकालें तो कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर. तो एरिया किससे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम इसको लिखें तो ये बेटा हो जाएगा आई बेटा सी इंटू पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो क्या पहला ऑप्शन, ठीक है बेटा. नेक्स्ट, ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें. फिफ्थ क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कूलिंग ट्यूब. कूलिंग ट्यूब एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए अपन काम में लेते हैं. 20 किलो वोल्ट एंड 15 मिली एम्पीयर करंट फ्लो इसमें गिवन है. तो ट्यूब वोल्टेज आपको गिवन है, ट्यूब में फ्लो होने वाली करंट गिवन है. तो ऑब्वियस बात है ट्यूब को जो सप्लाई पावर है हम निकाल सकते हैं. तो जो एक्सरे ट्यूब की जो पावर सप्लाइड है
वो अपन देख सकते हैं कितना आ जाएगा V into I, वोल्टेज कितना गिवन है बेटा 20 किलो वोल्ट, करंट कितनी गिवन है हमें 10 मिली एम्पियर, तो किलो और मिली तो कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा बेटा 200 वाट। 200 वाट ये हमने ट्यूब को सप्लाई की पावर, ये तो हमने सप्लाई की है ना। अब इसने क्या करा है, ओनली 0.5% ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। अब जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं उसका केवल 0.5% कन्वर्ट हो रहा है एक्सरे में, तो एक्सरे की एनर्जी जो मिलेगी हमें एक्सरे के फॉर्म में वो कितनी मिलेगी बेटा, वो मिलेगी इस केस में ओनली 0.5% ऑफ ट्यूब। तो अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बढ़िया बुद्धि लगानी है ना, तो 0.5% कितना हो जाएगा 200 वाट का, 200 का 1% होता है 2, उसका भी आधा परसेंट कर दो तो 1, तो ये 1 इसमें तो क्या कैलकुलेशन भी क्या करें तो वर्बली होगा, तो ये हो जाएगा इसमें 1 वाट अपना आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो सर चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलाइट ऑफ द टू रेडिएक्टिव एलिमेंट, आपको दो रेडिएक्टिव एलिमेंट दे रखे हैं ए एंड बी, दोनों के लिए टाइम दे रखा है 20 मिनट एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। इनिशियली द सैंपल हैव द इक्वल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियली में दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल थे, आफ्टर 80 मिनट टाइम टू दे रखा है आपको 80 मिनट के बाद द रेशियो ऑफ द डिके नंबर्स ऑफ, मतलब आपको पूछा है कि कितना उसमें बोले तो डिके कितने हो गए न्यूक्लियस उसके बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होंगे वो इनिशियली इसमें से माइनस कर दें कितना एन नॉट अपॉन 2 की पावर स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर हम ये चीज पुनरा यूज करें तो एन नॉट क्या है, एन नॉट अपने पास इनिशियली कितना था, तो अब यहां निकालें तो एन इज इक्वल्स टू एन नॉट हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो अब हमें क्या देने का, दो अलग अलग न्यूक्लियस देने के, एक ए और बी, दोनों के लिए बात करते हैं। तो अगर एन ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो एन ए कितना होगा बेटा, एन ए होगा एन नॉट इनिशियली मान लेते हैं एन नॉट है, ठीक है, तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आप देखिए पहले कितना दे रखा है इसके लिए कितना बेटा 20 मिनट है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना दे किसके लिए पूछ रहा है 80 मिनट के लिए पूछ रहा है। तो अगर यह स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 80 डिवाइडेड बाय इसमें कितना टाइम है 20, तो यहां 20 रखेंगे, ठीक। तो इसके लिए अगर वैल्यू पर निकालें तो कितना बन रहा है बेटा, ये बनेगा n नॉट 1 माइनस ये कट जाएगा कितना बचा 4, 2 की पावर 4 कितना होता 1 अपॉन 16, ठीक है। तो अभी इसको अगर माइनस करें तो 16 माइनस 1 15, 15 बाय 6 यानी कि 15 बाय 16 इनटू n नॉट कितना हो रहा है बेटा 15 by 16 n नोट, यानी कि इनिशियली मतलब a के लिए बात करें तो a के लिए कितना डीके होगा। अगर वही बात अपन b के लिए करें, जो b आपको पार्टिकल जो b के बारे में बात करना चाहता है वो अगर उस एलिमेंट के लिए बात करें तो b और ये कितना इनिशियली इसके लिए भी कितना बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि दोनों के लिए सर इक्वल है इनिशियली दोनों रहे इनिशियली, तो इसके लिए भी कितना हो गया बेटा n नोट, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इसके लिए देखिए तो इसके भी 80 के लिए ही पूछ रहा है, और टाइम कितना है इसके लिए, इसके लिए आपको दे रखा है इनिशियली कितना था मतलब आपका 40 था, अब इसमें डिवाइड कर दें तो कितनी बार कट जाएगा बेटा 2 बार, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया n नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 4, इसको सॉल्व करें तो बन जाएगा n नॉट, अच्छा 4 दे जाएगा तो 4 में से क्या था 3 बाय ये कितना बनेगा 3 बाय 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इनका रेशियो पूछ रहा है कि n अपॉन nb कितना होगा, तो अगर इनका रेशियो निकालूं तो na अपॉन nb इक्वल टू ये कितना मिला n नॉट 15 बाय 16, इधर कितना मिलेगा n नॉट 3 बाय 4, ठीक है, n नॉट से n नॉट बेटा कट जाएगा 3 से ये कट गया 5 बार और 4 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, कितना मिलेगा बेटा 5 बाय 4, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 5 बार, कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, ठीक है सर, ओके सर चलते आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो अगले क्वेश्चन में आपको बेटा दो रेडिएक्टिव न्यूक्लियस ए जिसके हाफ लाइफ टी है डीके इनटू ए न्यूक्लियस बी, मतलब ए डीके होके बी बना रहा है, टी जीरो पे बी है नहीं, सारा कुछ जो है वो ए है ना, और कुछ टाइम टी के बाद जो है बी और ए के नंबर का रेशियो अपन ने लिया तो वो पॉइंट 3 आया। चलो एक बार देख लेते अपन ये ए और बी है ना, अब t equals to 0 और किसी टाइम t पे तो मैंने मान लिया a के नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे n नॉट, इसके कितने बचे n a या n मान लिया है ना, अब जो n नॉट में से कम हुआ जो a कम हुआ वही तो b बना है ना, तो यहाँ पे n नॉट और इस n का जो डिफरेंस है वही क्या है मेरे पास, वही b बनेगा क्योंकि a ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें b में है ना, तो जितने a के न्यूक्लियस कम हुए वो b में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो
अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इन्होंने दिया है बी और ए की संख्या का अनुपात, मतलब कि नंबर्स का रेशियो जो है 0.3। चलो एक बार हम लिख देते हैं, बी और ए के नंबर का रेशियो कितना दिया बेटा आपको, 0.3। बी का नंबर क्या लिखूंगा मैं, एन नॉट माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा एन। ओके दिस इज व्हाट 0.3। अब इसमें सिंपल सा यहाँ पे थोड़ी सी गुणा भाग करते हैं, एन माइनस वन इज 0.3। इस वन को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एन नॉट बाई एन को मैं लिख सकता हूँ एन नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, है ना। और इस वन को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.3 हो जाएगा। तो अब इस केस में एन नॉट से एन नॉट खत्म, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी इज 1/1.3। दोनों तरफ लोग ले लो इक्वेशन का, तो लैम्डा टी इज एल एन 1.3। लैम्डा को मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे 1/लैम्डा कर देते हैं एक बार, इन्होंने क्या टाइम पूछा ना अपन से, तो 1/लैम्डा एल एन 1.3। अब हमें क्या गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, तो लैम्डा और हाफ लाइफ का रिलेशन क्या होता है बेटा, एल एन 2/लैम्डा, दिस इज व्हाट टाइम। तो रिप्लेस करो तो इसको, अपना आंसर बन गया, और क्या है, तो ये हो जाएगा टी ऊपर जाएगा, एल एन 2 नीचे जाएगा, इधर एल एन 1.3। तो टी एल एन 1.3 डिवाइड बाई एल एन 2, और ये आपका बन गया यहाँ पे टाइम की वैल्यू। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, अपना फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है सर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल कंसेप्ट है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके सर, सर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, आपको इसका हाफ टाइम दे रखा है, यानी कि टी वन, ठीक है। द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% डीके के बीच, इनके इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस लग रहा होगा इतना 20% आपको 80% के लिए, तो मान लेते हैं कि इसका कितना टाइम डिफरेंस कितना, डेल्टा टी होगा। तो ये क्या होता है बेटा, अपने जानते हैं कि टी हाफ डिवाइडेड बाय ln 2 ln डीके, बाद में कितना है दूसरे वाले के लिए, और अपॉन n, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो आपको टी हाफ दे रखा है, टी हाफ कितना बेटा 20 मिनट, आपको ये 20 मिनट दिया हुआ है। अगर हम यहां पुट करें तो ये तो हो गया बेटा 20 मिनट अपॉन ये कितना हो जाएगा ln 2। अब यहां सॉल्व करें तो लिख रखा ln, अब चाहे तो अपन इसको डायरेक्ट परसेंटेज में लिख लें, क्या फर्क पड़ता है, वो पड़ेगा तो 0.8 और कुछ वैल्यू इनिशियली होगी, यानी कि अगर मान लो कि इनिशियली एंड नोट है, तो अगर इसके लिए बात करूंगा 80% यानी कि 0.8 एंड नोट हो जाएगा, और इसके लिए 0.2 एंड नोट, बट लेकिन आपने क्या है वो तो कॉन्स्टेंट, यानी कि डायरेक्ट परसेंटेज की फॉर्म में लिख दूं तो कितना बता है 80/20, ये इससे कटेगा तो कितनी बार चला जाएगा बेटा 4 बार। अब ये क्या लिखा है ln2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 20/ln2, इसको क्या लिख सकता हूं मैं ln 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 क्या हो जाएगा बेटा आगे आ जाएगा, अगर मैं इसको आगे ले लूं तो ये बन जाएगा 20/ln2 से ln 2 कट जाएगा, और 20 into 2 कितना हो जाएगा बेटा 40 मिनट, यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए 40 मिनट। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सर। ओके सर आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन 9th में आपको बोला है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए रेट कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो प्रोड्यूस भी हो रहा है और प्रोड्यूस होते ही वो डीके होना भी शुरू हो जाएगा ना, उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं न्यूक्लियस आ रहे हैं वो भी डीके भी हो रहे हैं, तो उसके प्रोड्यूस होने की रेट तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो डीके होने की रेट है वो तो उसके कितने न्यूक्लियस अवेलेबल है इस बात पर डिपेंड करती है ना बेटा। तो इस केस में नेट जो रेट है कि किस रेट से वो न्यूक्लियस बढ़ेगा, तो हम dN/dt क्या लिख सकते हैं, इतनी रेट से तो आ रहा है जा किस रेट से होगा, मान लो किसी टाइम पे उसके एन न्यूक्लियस है तो डीके रेट जो होती है वो एन लैम्डा होती है ना, तो ये तो उसके बनने की रेट और ये उसके डीके होने की रेट, इससे अपन को नेट उसके बढ़ने की रेट पता चल जाएगी। फिर देखो इसका मतलब क्या होगा, कुछ टाइम पे तो वो प्रोड्यूस होगा, तो ये ग्राफ उसका एन का ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा, तो वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने न्यूक्लियस अवेलेबल होंगे किसी टाइम पे, क्योंकि शुरुआत में देखो कॉन्स्टेंट रेट से बना, तो शुरुआत में नंबर बढ़ेंगे ना, लेकिन जैसे नंबर बढ़ेगा जैसे ये एन बढ़ रहा है उसके डीके होने की रेट भी बढ़ जाएगी, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसके बाद डीके होने की रेट जो है और वो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में अपने पास जो मैक्सिमम बनेगा वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा, dN/dt 0 भाई, एन का मैक्सिमम अगर आप निकाल दो तो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट क्या कहता है,
कि किसी भी टाइम पे जो उसके n का मैक्सिमम बता लो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करता है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को अगर मैं जीरो करता हूं तो n लैम्डा इसको मैंने जीरो करा तो फाइनली मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा n नॉट इज अल्फा बाय लैम्डा, तो ये वो नंबर है जो उसका मैक्सिमम हमें मिलेगा, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने पास यहां पे बन जाता है। ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेस, दो प्रोसेस इन डिफरेंट, द मेन वैल्यू पीरियड ऑफ फर्स्ट पीरियड इज टी, आपको T1 दिया हुआ है और सेकंड प्रोसेस के अंदर दे रखा है आपको T2, दोनों का मीन दे रखा है, द इफेक्टिव मीन वैल्यू पीरियड्स ऑफ द टू प्रोसेस, इन दो के अंदर इफेक्टिव मीन वैल्यू निकालनी है, तो अगर मीन वैल्यू निकाले तो हम देखेंगे, तो अगर इसके लिए देखें तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है वो कितना होता है ln 2 by T1, हालांकि ये तो कांस्टेंट है ln 2 तो है ना, अगर इनिशियली अगर डेल्टा 1 मान ले इनिशियली पहले प्रोसेस, दो प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस मान ले, फर्स्ट प्रोसेस के लिए अगर ये लैम्डा 1 हो गया, तो अगर सेकंड प्रोसेस की बात करें तो सेकंड प्रोसेस में क्या होगा बेटा, सेकंड में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू ln / T2 होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है क्या इफेक्टिव पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है इफेक्टिव पूछ रहा है, इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लैम्डा 1 + लैम्डा 2 दोनों के लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और अगर ये होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ln 2 / T, और इस T की वैल्यू पूछ रहा है कि मीन कितना होगा, ये मीन के लिए निकाल रहा है, तो अगर यहां वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा ln 2 / T1 + ln 2 / T2, ठीक है, देखेंगे तो ln 2 तो सब जगह से कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगी वैल्यू 1 / T equal to 1 / T1 + 1 / T2, अगर दोनों को सॉल्व करें तो यहां से जो T की वैल्यू आएगी बेटा क्या आएगी, दोनों के एलसीएम ऊपर चला जाएगा, यानी कि T1 T2 / T1 + T2, तो इसकी मीन वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा T1 T2 / T1 + T2, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, सही है सर, ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा आपको दिया हुआ है कि एक थोरियम का न्यूक्लियस है 90, इसका जेड एटॉमिक नंबर और इसका जो मास नंबर है वो 232, ये डीके होके क्या बना रहा है, ये बना रहा है पीबी, तो टीएच को डीके करवा दो, ये अपने पास है 82212 और थोरियम क्या हो जाएगा मेरे पास 90 और इधर 232, अब देखो जो मास नंबर में इफेक्ट आता है वो केवल अल्फा डीके से आता है, बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके कभी मास नंबर का अफेक्ट नहीं करते, तो अब इस केस में मेरे पास जो मास नंबर है वो कितना कम हुआ बेटा, वो हुआ 230 से 212, मतलब कि 20 का डिक्रीमेंट हुआ मास नंबर में, एक अल्फा के डीके होने से कितना डीके होता है बेटा, एक अल्फा के डीके होने से 4 का डिक्रीमेंट होता है मास नंबर में, तो इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ अल्फा जो निकले होंगे वो निकले होंगे 20/4 5, ये अल्फा निकले तो अल्फा जो है वो 5 है, एक तो अपना ये ऑप्शन बन गया, अब देखो मोर देन वन है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो ये तो अल्फा आ गया, अब एक अल्फा जब निकलता है तो मास नंबर तो 4 से कम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर भी 2 से कम होता है, तो इसका मतलब जब मैं थोरियम से ये 90 और 232 इससे जब मैं 4 अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो मेरे पास कुछ एक्स मान लो न्यूक्लियस बना होगा जिसमें एक अल्फा से 2 का डिक्रीमेंट आता, 5 अल्फा से 10 का डिक्रीमेंट आएगा, तो ये बनेगा मेरे पास ये, अब इसके बाद मुझे वापस 82 करना है, इसको दो मुझे वापस किस में कन्वर्ट करना है 212 पीबी और इधर आ जाएगा मेरे पास 82, तो मुझे वापस दो मास नंबर एटॉमिक नंबर को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज करूं करवाऊं इससे, अब एक बीटा माइनस जब रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ता है, तो यहाँ पे मुझे 2 से बढ़ाना है, मतलब 2 बीटा पार्टिकल मुझे रिलीज करवाने पड़ेंगे, तो मेरा एक और कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा सेकंड थर्ड ऑप्शन इसमें हो गया जिसमें बीटा का काउंट दिया हुआ है 2, बिल्कुल सर, ओके सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा इज एक्स से दे रखा है 4 लेड आइसोटोप्स, देखो इसके अलग अलग आइसोटोप्स दे रखे हैं पीबी 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 एक्स 208 206 204, ठीक है सब क्या है लेडी में बेटा, ठीक है आगे आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 रेस्पेक्टिवली इनके लिए दे रखी है आपको, तो हमसे क्या पूछा अगर हम देखें इसमें यूज करें एक्सरे की बात कर रहे हैं तो मोस्टली लोग यूज करें अगर इसमें कौन सा बेटा मोस्टली यूज, तो क्या होता है बेटा हमें पता है कि 1 / लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड माइनस 1 स्क्वायर 1 / आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटा n1 स्क्वायर - 1 /
एन टू सी। सही सर। अगर हम यहाँ देखें तो लेड आपको दे रखा है, लेड के लिए बेटा जेड हमें पता है क्या होगा। अब अगर आइसोटॉप से तो है तो सब लेड, यानी कि सबके लिए जेड की वैल्यू सर कौन सेम होगी। इसका मतलब लेड के लिए हमें पता है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा 82 लेड के लिए। अगर ये 82 होगी, अगर हम बात करें अभी बोला कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के लिए बात करें, तो अगर हम लैम्डा 1 रखेंगे तो मान लीजिए लैम्डा 1 है तो ये कितना होगा r, z की वैल्यू 82, 82 माइनस 1 यानी कि आपका कितना 81 स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होगा। क्यों सर सही है बिल्कुल। तो अगर ये 81 स्क्वायर ये हो जाएगा तो 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू, ऐसे अगर लैम्डा 2 की निकालूंगा सिमिलरली उसकी वैल्यू भी क्या होगी ऐसे होगी। अगर मैं सिमिलरली वो भी निकालूं तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 जो होगा वही ऐसे सेम लैम्डा 3 भी होगा, यानी कि ये बराबर लैम्डा 1 भी होगा। यानी कि 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 3 सबकी वैल्यूज क्या होगी इक्वल सी मिलेगी आपको बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर लैम्डा 1 बराबर होना चाहिए लैम्डा 2 और बराबर होना चाहिए लैम्डा 3 के। इसका मतलब ये तीनों बराबर है और ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है ये पहला, इसका मतलब ये आंसर सही। बट लेकिन मोर देन है तो हमें और भी देखना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है इससे बड़ा है, जब ये इक्वल है तो बड़ा तो हो नहीं सकते लैम्डा 1 इससे, छोटे भी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं। पर फोर्थ ऑप्शन मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि लैम्डा 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 3। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन रहा है बेटा लैम्डा 2 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 3। और मुझे पता है कि तीनों क्या है इक्वल है, तीनों के तीनों क्या है इक्वल, यानी कि अगर ये सब इक्वल है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये स्क्वायर ही तो बनेगा, इसका बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 3, तो ये लैम्डा 2 भी तो लैम्डा 1 के बराबर है, ये लैम्डा 2 भी तो लैम्डा 3 के बराबर है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या होगा इक्वल। इसका मतलब इसका आंसर पहला और फोर्थ दोनों होंगे। ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको जो बेसिक बिहेवियर होता है न्यूक्लियर फोर्स का उसके बारे में ग्राफ गिवन है। ये बिहेवियर ये बताता है कि जो 0.5 फर्मी डिस्टेंस होती है उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ना, बिल्कुल जीरो डिस्टेंस पे होता है। अब इसके बाद ये जो ग्राफ है ये एसिमेट्रिक्स आपको गिवन है ना। अब इस ग्राफ में अगर आप दो न्यूक्लियॉन्स को ना सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स अगर 0.5 फर्मी से कम कर दो, फर्मी होता है 10^-15 मीटर, उससे अगर आप कम कर दोगे ना तो फिर इनके बीच का जो न्यूक्लियॉन्स होगा ना एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। कब 0.5 फर्मी से अगर सेपरेशन कम होगा तो इस केस में ये जो पॉजिटिव नेचर है ये किसको दिखा रहा बेटा, ये दिखा रहा रिपल्जन को कि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे ना। और जब हम 0.5 फर्मी से ज्यादा का सेपरेशन कर देते हैं है ना, तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है, मतलब उनको अट्रैक्शन नेचर ये शो करता है। तो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है ये पूरा पार्ट ये शो कर रहा है अट्रैक्शन नेचर को, तो ये अट्रैक्शन नेचर को शो कर रहा है। चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव फॉर सेपरेशन लेस देन 0.5, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये गलत हो गया तो फिर फर्स्ट से ये सेकंड गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर सेपरेशन मोर देन 0.5 फर्मी, बिल्कुल सही बात है। और फोर्स इज नेग्लिजिबल व्हेन द सेपरेशन इज मोर देन 10 फर्मी, बिल्कुल ये भी बात सही है कि जो सेपरेशन जो है वो ज्यादा होने पे फोर्स ही काफी वीक हो जाएगा। ओके सर बिल्कुल सर। तो ये अपना 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है मोजलीज लॉ, अभी अपन ने इसके बारे में बात करी थी है ना, एक ही इक्वेशन दे रखी है आपको मोजली की, इसके बारे में आपको ऑप्शंस देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है कांस्टेंट ए एंड बी, यानी कि कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, कांस्टेंट ए और बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल, तो टारगेट मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है तो ये हमें याद होना चाहिए। और भी क्या होता है बेटा, हमें पता है जो ए होता है ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन, क्या होता है बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और बी क्या होता है बेटा, ये ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है ऑर्बिटल पर। कैसे, अगर जैसे कि अगर आपकी बात करें एल के लिए के के लिए तो इनकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है बेटा इसके लिए क्या होती है वैल्यू क्या होती है इनके लिए फिक्स होती है। तो अगर हम वही ऑप्शन में देखें तो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल, मतलब टारगेट मटेरियल के इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही, अभी बताया ना ए और बी किस पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टेंट ए एंड बी डिपेंड ऑन सीरीज, सीरीज पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल तो डिपेंड करता ही है, एल के एम एन सबके लिए डिफरेंट फिक्स वैल्यू होती है, और ये लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन जो इसकी लेंथ होगी वो भी तो चेंज होती रहेगी, इसका मतलब
एक जो फिक्स ऑर्बिटल होगा उसके लिए लेंथ की वैल्यू सेम हो सकती है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑप्शन भी आपका बेटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें थर्ड के लिए, तो वैल्यू ऑफ ए इज सेम फॉर एवरी सीज, एवरी सीज के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिपेंड करेगा ट्रांसमिशन लेंथ कितनी उसकी, ठीक है। हर ऑर्बिट के लिए फिक्स हो एक ही वैल्यू ऐसा जरूरी नहीं, बी के लिए हो सकती है लेकिन ए के लिए तो नहीं होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत होगा। नेक्स्ट देखें, वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज बट इट इज द सेम फॉर एवरी मेंबर ऑफ द पार्टिकल सीरीज। बिल्कुल ये भी बेटा सही है, यही तो बात करी अपन ने अभी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। तो इसके पहला सेकंड और फोर्थ क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन थर्ड बिल्कुल भी एवरी के लिए सेम नहीं होता। सही सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोरेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 आर 1000। तो शुरुआत में किसी भी सब्सटेंस के जो इनिशियल नंबर है एन नॉट वो कितना दिया बेटा आपको, 1000 दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि 900 आफ्टर 2 सेकंड, तो ये टी इक्वल्स टू 0 पे तो 1000 है, टी इक्वल्स टू 2 पे कितना है बेटा ये 900 हो गए, मतलब कितना डीके हुआ, देखा जाता 10% डीके हो रहा है ना। अब यहाँ पे बिना फॉर्मुला के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखो, है ना, फॉर्मुला से तो अपन कर ही लेंगे, है ना, वो तो खैर हर कोई करेगा उससे तो, है ना। अब इसको बिल्कुल लॉजिक से देखते, बिल्कुल बिना आपको फॉर्मुला भी नहीं भी आता रहा तो भी अपन कर लेंगे इसको। अगर 2 सेकंड में 10% कम हुआ, इनिशियल अमाउंट पर 10% कम हुआ है, अब यहाँ को इसको आप इनिशियल मान लो चलो, अब अगला टाइम कितना दिया है टी इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से वापस 2 सेकंड आगे, तो जब यहाँ से 2 सेकंड आगे जाने पे 10% कम हुआ, तो इससे 2 सेकंड आगे जाने पे इसका भी 2 से 10% कम कर दो, 900 का 10% कितना होता 90, तो लेस करो 90, कितना बचेगा बेटा 810। ये आ गया अपना आंसर, तो अपना 810 आंसर आ जाएगा इसका इंटीजर में, तो ये 810 आंसर बच गया। तो इसमें हमें कोई फॉर्मुला थोड़ा लगाना पड़ा, बिल्कुल कंसेप्ट की भी जितना इनिशियल होता है हर इक्वल टाइम, अब हर इक्वल जो 2 सेकंड का इंटरवल होगा ना उसमें आप जैसे अगला 2 सेकंड को पूछे कि 2 सेकंड 6 सेकंड बाद क्या होता, तो इसका वापस 10% रिड्यूस कर दो, 810 का 10% 81 रिड्यूस कर दो, उसके बाद जो आएगा यहाँ लिख दो, इस तरह से 10% कम करते जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चले सर अगले पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते, एक अल्फा पार्टिकल आपको दिया है, अल्फा पार्टिकल जिसका मास कितना बेटा स्मॉल है, अल्फा पार्टिकल का मास दे दिया है, और वन डायमेंशनली इलास्टिक कोलिजन विद द न्यूक्लियस, एक वो न्यूक्लियस से टकरा है, न्यूक्लियस और जो किस पर है रेस्ट पर दिया होगा, ठीक है। इट इज द स्केटिंग द डायरेक्टली बैकवर्ड द लूजिंग द 64%। देखो जब वो वापस लौटता है टकराकर तो 64% एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल से उसने क्या दिया है, 8 टाइम्स बोला है बेटा, 8 टाइम्स ज्यादा मास है, यानी कि अगर उसका मास m है तो उसका मास a into m है। तब पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है। तो देखिए मान लीजिए अगर एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास कितना बेटा स्मॉल है, मैं मान लेता हूं कि जो जिस न्यूक्लियस से टकरा रहा है उसका मास कैपिटल है, हालांकि m अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, m दे रखा है कि m इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, पर फिर भी अपन देखते। तो ये क्या है बेटा, ये बोल रखा है कि किस पर है बेटा, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 इसका मतलब इसके बाद एनर्जी इनिशियली कोई होगी नहीं, लेकिन इसके लिए वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं v नॉट, कितनी बेटा v नॉट। अगर इसकी एनर्जी v नॉट है तो इसके पास अगर बात करें एनर्जी का, इसने बोला है कि जब ये कोलाइड्स कर जाते हैं तो कोलाइड्स करने के बाद जो स्मॉल m पार्टिकल है वो वापस लौटेगा, उसने बोला है वापस आता है बैकवर्ड, जब ये बैकवर्ड वापस आएगा तो कितनी वेलोसिटी मान लेते हैं, कितनी वेलोसिटी होगी v1। अब जो मास है कैपिटल है जो न्यूक्लियस है उसके पास भी तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा v2 टकराने के बाद, कुछ एनर्जी उसको दे देगा। तो अब ये जो एनर्जी इसके में इनिशियली कितनी एनर्जी है 1/2 mv0 square, ये इतनी स्मॉल लेते हैं क्या हो गया, ये जो एनर्जी आपकी वो इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसमें एनर्जी में इसने बोला है आपको बोला है कि 64% एनर्जी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, इसका मतलब अब ये 64% एनर्जी को कम कर लेगा तो इसके पास कितनी बचेगी बेटा 36%, तो 36% बची यानी कि 0.36 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनिशियल ऑफ एनर्जी एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये कितनी होगी बेटा, ये 1/2 mv0 square किसके 0.36 के बराबर होना चाहिए। और अगर इसके लिए एनर्जी बात करें तो ये इसके अगर ये 36% एनर्जी इसके पास बचती है तो बाकी एनर्जी कहां गई, वो इसके पास दे दिया होगी, तो 64% की एनर्जी इसके पास है, तो 64 कितना 0.64 1/2 mv नॉट एनर्जी इसके पास होगी। सही बात है। तो अगर आप हम इसको कैलकुलेट करें नेक्स्ट स्टेप, तो कैलकुलेशन अगर इसकी देखें तो देखते हैं, तो देखिए इसके पास इनिशियली एनर्जी इतनी थी, अब ये क्या होगा, इसमें से ये एनर्जी कुछ तो इसके पास इतनी एनर्जी बची और इसके पास इतनी एनर्जी बची,
अच्छा अगर इसके पास इतनी एनर्जी बची है तो ये 1 अपॉन 2 एम वी वन स्क्वायर ये किसके बराबर बची, ये फिर एनर्जी के बराबर होना चाहिए बेटा। तो अगर इसके बराबर कर दें तो 0.36 1 अपॉन 2 एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। देखेंगे तो हाफ एम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो वी वन अगर मैं सोल्व करूं वी वन इसका स्क्वायर घटाऊं तो 0.36 को लिख सकता हूं 0.6 और वी नॉट को लिख देते हैं यानी कि वी नॉट की जो वेलोसिटी होगी बेटा कितनी हो जाएगी 0.6 वी नॉट हो जाएगी। ठीक है अगर यही बात इसके लिए करें तो इसके पास एनर्जी कितनी है, इसके पास है 1 अपॉन 2 एम वी टू स्क्वायर। ठीक है तो अब इस वाले होनी कितनी चाहिए, होनी चाहिए 1.6 पर किसके बराबर होगा 1 अपॉन 2 एम वी नॉट स्क्वायर के, तो हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है अगर यहां देखें तो आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले चलते हैं तो ये 0.64 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर इसके लिए मैं करूं v निकालना तो अंडर रूट में हो जाएगा तो कितना बचा 0.8 64 को ले सकता हूं 0.8 v नोट अंडर रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। सही बेटा तो अपने को v1 और v2 की वैल्यू पता लग गई। अगर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अपन लगाएं तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो इनिशियली मोमेंटम कितना बेटा मास इनटू वेलोसिटी यानी कि स्मॉल m v नोट ये इक्वल होना चाहिए इसका मास इनटू वेलोसिटी लेकिन डायरेक्शन कैसी अपोजिट तो अपोजिट है तो साइन कैसा होगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा यानी कि इस माइनस स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल m v2 हो जाएगा। अब यहां पर हम इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं v1 v2 हमने निकाला ही ये v2 है तो अगर यहां पुट करने दीजिए हो गया स्मॉल m v नॉट इक्वल टू स्मॉल m v1 की वैल्यू कितनी है 0.6 v नॉट यानी कि माइनस m 0.6 v नॉट प्लस कैपिटल m v2 कितना दे रखा है ये दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं 0.8 v नोट अंडर रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। ठीक अब अगर यहां देखें इसको सॉल्व करें तो v नोट सब जगह से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा इसको इधर लाएं तो देखो 1 m m में से 0.6 m चला जाएगा तो बचेगा कितना ये जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 1.6 स्मॉल m ये किसके बराबर होना चाहिए 0.8 कैपिटल m अंडर रूट ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल m। ठीक है अगर इसको अपन देखें तो यहां से अपने को क्या निकालना है अपने को वैल्यूज निकालनी है कैपिटल m की तो इस m इसको अगर देखें तो 0.8 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स तो इस स्मॉल m को इधर ले चलते हैं तो 2 बराबर कैपिटल m अपॉन स्मॉल m अंडर रूट ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल m दोनों कट जाएंगे तो रूट में आ जाएगा तो ये बचेगा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल m अपॉन स्मॉल m स्क्वायर कर दे तो कितना बचेगा बेटा 4 इक्वल्स टू कैपिटल m अपॉन स्मॉल m तो कैपिटल m कितना मिला 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि क्या है वो 8 टाइम्स ऑफ m तो m तो मिल गया लेकिन a किसके बराबर आ रहा है बेटा 4 के बराबर यानी कि यहां पर जो a होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 होगी। सही बेटा सही बिल्कुल सर ये हो गया अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कोलिजन के कांसेप्ट इसमें अपन ने काम में लिया बिल्कुल सर नेक्स्ट की बात आते हैं 17th क्वेश्चन में आपको बोला है रेडियोएक्टिव मटेरियल हैज इट्स एक्टिविटी ए एंड रेट ऑफ चेंज इन इट एक्टिविटी आर। अच्छा एक्टिविटी खुद नंबर के चेंज होने की रेट होती है जो न्यूक्लियस का नंबर चेंज हो रहा है जिस रेट से उसको एक्टिविटी बोलते हैं और उसके चेंज होने की रेट आपको आर दिया हुआ है तो एक बार एक्टिविटी का फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पे लैम्डा एन और आर जो है वो एक्टिविटी में चेंज होने की रेट है मतलब कि डीए बाय डीटी इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा डी बाय डीटी है ना अब एक्टिविटी को लैम्डा एन लिख दो तो लैम्डा ये हो जाएगा डीएन बाय डीटी और डीएन बाय डीटी को आप क्या लिख सकते हो फिर लैम्डा इनटू एन तो फाइनली हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एन ये एक्टिविटी की चेंज होने की रेट तो मेरे पास ए का फॉर्मूला आ गया और आर का फॉर्मूला आ गया लैम्डा स्क्वायर एन ये तो अपन ने जो दो चीजों की बात की उनको हमने सॉल्व किया। फिर ये बोल रहे हैं टू रेडियोएक्टिव पी एंड क्यू अब इसमें मीन लाइफ गिवन है देखो पी की मीन लाइफ कितनी गिवन है तो P की जो मीन लाइफ गिवन है वो इतनी गिवन है जो कि 1 अपॉन लैम्डा P की इक्वल होती है ओके तो ये आपको गिवन है दिस। फिर Q की मीन लाइफ आपको कितनी गिवन है जो कि 1 अपॉन लैम्डा Q की इक्वल होगी ये कितना गिवन है 2 टाइम्स ऑफ दिस। इन दोनों से अगर आप सॉल्व करो देखो इसकी मीन लाइफ जो है वो डबल आ रही है Q से मतलब इसका डीके कांस्टेंट हाफ रहा होगा इसका मतलब लैम्डा Q जो है वो लैम्डा P से आधा है तभी तो मीन लाइफ डबल आ रही है ना तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास। फिर P इक्वल्स टू 0 पे द रेट्स of their change of activity at t equals to 2 are this तो आपको ये rp और rq की वैल्यू बतानी है t equals to इतने टाइम बाद उनकी डीके रेट जो है या एक्टिविटी में चेंज होने की रेट है वो n by e है तो हमें n की वैल्यू बतानी है। चलो एक बार इस पे आ जाते हैं हम
तो एन यहाँ पे आर पी की बात करी हुई है, आर पी बाई आर क्यू। तो रिएक्टिविटी का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था बेटा, लैम्डा स्क्वायर एन, तो ये लैम्डा स्क्वायर एन ये हो जाएगा पी ये, और ये हो जाएगा लैम्डा क्यू स्क्वायर और ये एन क्यू। ओके बेटा, अब यहाँ पे एन पी और एन क्यू, सबसे पहले इसमें एन पी की वैल्यू कर देते हैं एन नॉट पी, और यहां टाइम की वैल्यू डाल दो आप e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा पी टी, फिर यहां लैम्डा क्यू स्क्वायर एन ओ क्यू e टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू टी। ओके, अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन और यहां गिवन है, देखो अब इसमें बोला है द नंबर ऑफ न्यूक्ली एट दिस टाइम एक्टिविटी इज दिस, द रेट ऑफ द एक्टिविटी एट टी इक्वल्स टू 2 आर दिस। ओके, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इसमें जो एक्टिविटी है टी इक्वल टू जीरो पे वो एक्टिविटी भी इक्वल है। ठीक है, तो एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी जो है उन्होंने इक्वल करी हुई है, तो ए पी इक्वल टू ए क्यू। ए पी क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू एन होता है, और इनिशियल क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट, तो लैम्डा पी एन नॉट पी इक्वल टू लैम्डा क्यू एन नॉट क्यू। ओके, तो इससे मेरे पास एन नॉट पी बाई एन नॉट क्यू कितना आ गया बेटा, लैम्डा क्यू बाई लैम्डा पी, ये और इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को आप सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, तो लैम्डा पी स्क्वायर बाई लैम्डा क्यू स्क्वायर, एन नॉट पी बाई एन नॉट क्यू की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, एन नॉट पी आ रहा है लैम्डा क्यू बाई लैम्डा पी, और ई टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा पी प्लस ऑफ लैम्डा क्यू टी। ओके, तो ये एक स्क्वायर को कट जाएंगे हमारे पास, तो क्या बचेगा बेटा, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू, यहाँ बचेगा एक लैम्डा पी, और यहाँ बचेगा मेरे पास ई टू द पावर माइनस लैम्डा पी प्लस लैम्डा क्यू। अब लैम्डा देखो, अपन पी का लैम्डा ऐसा करते हैं, अपन मान लेते हैं लैम्डा, तो लैम्डा बाय टू आ जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा बेटा, पी का लैम्डा अगर अपन लैम्डा माने तो माइनस ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा बाय टू टी। अब यहाँ टाइम जो है वो किसकी टर्म्स में गिवन, आपको टाइम गिवन है टू टो, टू टो क्या था यहाँ पे क्यू की हाफ लाइफ, तो क्यू की हाफ लाइफ के टर्म्स में अगर टाइम है तो एक बार मैं उसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, टू दिस, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एल एन टू बाई मीन लाइफ है ना, तो वन बाई लैम्डा हो जाएगा, तो ये मेरे पास टाइम जो है वो टू बाई लैम्डा है, तो यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू टू बाई लैम्डा यहाँ पुट कर देता हूँ, तो टू बाई लैम्डा टाइम की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, ओके okay, तो ये अपना यहाँ पे, अब देखो लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो फाइनली मेरे पास ये क्या आ गया, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू अपन यहाँ से क्या रख सकते हैं, लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू इज टू। ओके, तो लैम्डा पी बाय लैम्डा क्यू इज टू, और ये बन जाएगा मेरे पास ई टू द पावर टू से इधर टू कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री, तो ये जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 इधर 2, तो ये जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 2, तो फाइनली 3 पावर। अब एक बार देखते हैं कि अपने इसमें क्या पूछा गया, इन्होंने पूछा है कि rp बाय rq इज n बाय e, तो बच्चों यहां पे थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन वापस चेक करते हैं, देखो अपन इसको यहां ऊपर लेके गया ना, तो ये माइनस था ना, तो ये माइनस टू अपन ने रखा हुआ है, तो ये यहां पे जो है ना माइनस बनेगा, तो यहां भी फाइनली माइनस बनेगा हमारे पास, तो यहाँ जो है ना वो बनेगा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 यानी कि 1 बाय 2 लैम्डा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा e टू द पावर माइनस 1, तो e टू द पावर माइनस 1 से फाइनल मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 बाय e। ओके, तो 2 बाय e से मेरा आंसर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करते हैं n की जगह क्या लिखा हुआ अपन ने, ये n की जगह यहाँ 2 लिख देते हैं, तो अपना आंसर बन गया 2, यानी कि n बराबर क्या आएगा सर 2 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी सावधानी रखनी और फिर अपना आंसर जो है वो आ रहा है। ओके बच्चों, चलिए सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है कि एक्सपेरिमेंटली इनिशियली नंबर ऑफ रेडिएटिव न्यूक्लियस आपको दे रखा है 3000, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, एन नॉट मान लेते हैं, फाउंड दैट आपको क्या मिलता है 1000 प्लस माइनस 40, यानी कि 1000 क्या बेटा, ये है एन, और ये कितना बन जाएगा बेटा, डेल्टा एन बन गया। आपको टी बराबर दे रखा है किसके लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए, आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट पावर इन एक्स द एरर डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा पूछ रहा है, इन द डिटरमाइंस ऑफ द डीके कांस्टेंट लैम्डा इज एन बाय 100, तब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, तो हम जानते हैं कि n बराबर बेटा क्या होगा, n इज इक्वल टू होता है n नॉट माइनस n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। अगर हम यहां वैल्यूज इसकी पुट करें, देखो क्या दे रखा है, n की वैल्यू कितनी बेटा 1000, तो ये रख दिया मैंने 1000,
इक्वल्स टू ये कितना दे रखा है बेटा 3000 माइनस अगर वहां देखें तो ये वैल्यू भी कितनी है 3000 e की पावर माइनस लैम्डा t आपको दे रखा है कितना है 1 है ठीक है यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू देखो इधर जाएगा 3000 में तो 1000 गया तो बचेगा 2000 यानी कि 2000 डिवाइडेड बाय ये नीचे जाएगा 3000 ये 30 तो कट जाएंगे बचा क्या बेटा 2/3 यानी कि e की पावर माइनस लैम्डा बराबर है 2/3 के ठीक नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n का तो हो गया डेल्टा n इज इक्वल टू n नॉट क्या कांस्टेंट ये तो इनिशियली तो जीरो माइनस n नॉट क्या यहां पर बेटा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा t e की पावर माइनस लैम्डा t का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस लैम्डा t और लैम्डा t का करेंगे तो माइनस का t डेल्टा लैम्डा हो जाएगा ठीक है तो यहां से अगर मैं देखूं तो डेल्टा n इज इक्वल टू क्या मिला माइनस और ये माइनस प्लस n नॉट t e की पावर माइनस लैम्डा t डेल्टा लैम्डा हो जाएगा ठीक है तो ये इक्वेशन मिल गई अब इसे अगर मैं देखूं ये इनिशियली मान ले कि ये इक्वेशन आपकी 1 है ये इक्वेशन आपकी 2 दोनों में डिवाइड कर दूं तो आपका एरर फॉर्म क्रिएट होगा ठीक है कैसे डेल्टा n डिवाइडेड बाय n फ्रैक्शनल एरर ठीक है तो अगर मैं यहां पुट करूं तो ये डाटा यहां पुट करते हैं n नॉट n नॉट t t कितना बेटा 1 और क्या क्या मिलेगा e की पावर माइनस लैम्डा t t यहां पे कितना 1 है क्या बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा कितना है 2/3 कितना बेटा 2/3 तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 और डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय यहां पुट करेंगे वैल्यू कितनी है इसमें से n नॉट कॉमन ले लूं तो बाहर आ गया n नॉट अंदर क्या बचेगा 1 माइनस लैम्डा t की वैल्यू 1 तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा कितनी है बेटा 2/3 यहां आ जाएगा 2/3 n नॉट से n नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा n की वैल्यू हमें पता है वैल्यू पुट करें डेल्टा n की कितनी दे रखी थी बेटा 40 14 और ये कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय इसमें 1 में से जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 डेल्टा लैम्डा ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा बेटा 20 यानी कि जो डेल्टा लैम्डा होगा वो कितना मिलेगा 20 अपॉन 1000 10 से 10 कट जाएगा यानी कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 100 तो ऑप्शन अगर आप देखें क्वेश्चन में दे रखा था आपको कि जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी n अपॉन 100 तो यहां से अगर इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है n की वैल्यू आ रही है 2 यानी कि हमारा जो आंसर होगा n इज इक्वल्स टू 2 तो इंटीजर टाइप है इसका आंसर अपना 2 होगा ठीक है बच्चों तो बच्चों ये यहाँ पे अपना जो है गुरुनीति का 32 पार्ट जो थे एपिसोड से कंप्लीट हुआ इसमें हमने बेसिक जो थे रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन वो हमने ट्राई किए तो उम्मीद करते हैं आपका एक अच्छा सा क्विक रिवीजन यहाँ से आपको मिला होगा तो बच्चों इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और गुरुनीति के सारे एपिसोड आप देखते रहें रिवीजन के हिसाब से ओके बच्चों ऑल द बेस्ट थैंक यू बेस्ट थैंक यू बेटा